हेलो एवरीवन, चाय पिएगा? कोई चाय पिएगा? कॉफी लिखा है पर चाय है ये, किसी को पीनी है? बताइए बताइए। तो अभी हो रहे हैं शाम के 4 और राजा जो है वो भी ऑफिस गए हैं शाम को। एक्चुअली में ना गाड़ी नहीं थी घर में और बैटरी चली गई थी राजा की कार की, और पापा ने पंडित जी को गाड़ी दे दी थी। राजा जो है वो उनका ऑफिस का लड़का है, वो लेने आया है और उसके साथ गए हैं। तो अभी गए हैं, इन्हें ऐसे सुबह से जाना था पर फिर ने बोला कि मैं शाम को जाऊंगा, तो अभी आधे घंटे पहले निकले हैं, 2-3 घंटे में आ जाएंगे। और मैंने अपने लिए चाय बना दी है। मम्मी पापा जो है वो थोड़ा लेट पीते हैं चाय, लाइक 6:30-7 बजे। मेरे को शाम को चाहिए होती है, तो मैं 1 घंटे की नैप लेके आई हूँ। मेरी शक्ल देख के आपको पता चल रहा होगा, मैं 1 घंटे की नैप लेके आई। फिर मैंने फ़िल्टर साफ किया है, जो फ़िल्टर लगा हुआ है, अभी हम लोग जैसे ही सब कुछ खुलेगा तो RO लगवाएंगे यहाँ पे, या एक्वा गार्ड जो भी रहेगा वो सोच रहे लगवा लेते हैं। तो ये फ़िल्टर जो है ये साफ़ करना पड़ता है हर 2-2 दिन में, तो वो मैं साफ़ कर रही थी। फिर मैंने पानी वानी भरा, फिर मेरे को लगा यार चाय ले आई जाए और चाय पी जाए, तो और ब्लॉग शुरू किया जाए। ये जो चाय है ये सेम चाय है जो बनती है, बट इसमें जो शुगर है वो 0% है। तो शुगर मैंने नहीं ली है इसमें, क्योंकि राजा जो है वो कभी चॉकलेट खिला देते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कभी मीठा ना खाऊँ, ऐसा दिन भी हो, पर वो कभी चॉकलेट खिला देते हैं और कभी कुछ। और अभी क्या हो रहा है, उनका सारा मीठा ख़त्म हो गया है, तो मुझे लड्डू बनाने हैं। तो लड्डू आप लोग पूछ रहे थे, अभी आप ब्लॉग कंटिन्यूटी में देखते रहिएगा तो मैं आपको लड्डू की जो रेसिपी है वो बता दूँगी। तो मैं आटे के लड्डू बनाती हूँ, बड़े टेस्टी लगते हैं बादाम डाल के। तो वो ऐसा रहता है कि कभी को मीठे की क्रेविंग हो रही है तो उसके लिए सही है, और घर में ही बने हैं, देसी घी के हैं, थोड़ी शक्ति भी आती है आपको, तो देख लीजिएगा। चलिए मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग काम वाम निपटाते हैं और जो ब्लॉग है वो। तो राजा जो है वो शाम के 7 बजे तक आएंगे, तब तक मुझे लगा कुछ काम कर लेना चाहिए। और ये सोफे के कवर है मेरे, आप लोगों को याद है, तो ये मैं बिछाने वाली हूँ और इन्हें मैं धोने के लिए निकाल रही हूँ। तो मैं डेली शाम को कपड़े लगा रही हूँ, क्योंकि ना अभी बहुत गर्मी होगी, बरांडा सब तपता है ना, लू लगती है वहाँ पे, तो मैं डेली शाम को लगाती हूँ कपड़े। ये देखिए, आते आते ही पसरने का स्टाइल देखिए। गर्मी कितनी गर्मी बस अब देखिए, सोफे का कवर खराब होगा, मैंने अभी साफ किया पूरा रूम, अभी खराब करेंगे। मैं इनके लिए चाय लेके आ गई हूँ, क्योंकि थके हुए थे, और जब मैं अपने लिए इनके लिए लाई हूँ तो अपने लिए भी लेके आई हूँ चाय। तो बन गई है फिर से चाय, और अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। रसोई में जस्ट अभी क्लीन करके आई हूँ, मैं सोच रही हूँ एक शावर ले लूँ, गर्मी लग रही है मेरे को। दिख रहा है आपको बोलूँ, मैं दिखा दूँ, ग्रेट। अब दिख रहा है बोलो आपको? नहीं अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा, अभी रहता ही।
अब दिखा ये खुद ही आ गया देखने के लिए। ओली ओली मेरी चुटकी कहाँ थी? वो टेबल के नीचे घुस के बैठा रहता है। तो अभी मैं जाके एक शार लेती हूँ और हम लोग चाय वाय निपटाते हैं और फिर मैं जा रही हूँ कुछ अच्छा बनाने। सेक्स करेंगे का स्वागत। तो मैं आ गई हूँ वापस और जो राजा जी हैं वो ऐसी हालत में रहते हैं ना आजकल, ब्लॉग में दिखाने लायक नहीं होते। ऑफिस से आए ना तो उसी पर शूट कर लो तो ठीक है, अदरवाइज ये ऐसे रहते हैं। अब इनकी शेविंग वगैरह वो भी वो कर रही है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे और मैं इसलिए आई हूँ ताकि हम लोग अच्छा शाही पनीर बना पाए। तो पहले तो मैं पनीर को वॉश करती हूँ। तो ये पनीर मैंने एक बार गर्म पानी में बॉइल करके रखा है, तो इससे क्या होता है जो पनीर की गंदगी रहती है बाहर से। सबसे पहले पनीर, जब आप पनीर लेते हैं तो पनीर को ऐसे रखिए, पनीर को ऐसे रखना चाहिए, पनीर स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए। कौन से डिग्री में स्टैंड होना चाहिए? 90 उसके बाद उसके बाद उसका कत्ल किया जाएगा। अब पनीर का कत्ल होगा, पनीर का कत्ल देख सकते हैं आप। पहली बार YouTube पे पनीर का कत्ल होते हुए देखेंगे आप। ये क्या? अब बहुत ही प्यार से काटा जाएगा, कत्ल हो गया प्यार से पनीर का। ये बात पनीर काट दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। ऐसे कटेगा? दो हिस्सों में पनीर का कतले आम कर दिया गया है। पनीर काटना भी कला है। इसमें भी टेक्निक है क्या? हमें भी उबड़ खाबड़ पनीर भी उबड़ खाबड़ होता है। पहली बार सुन, मैं पनीर की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ। मैं सिर्फ घर में बनाऊ पनीर खाती हूँ, बाहर से पनीर कभी नहीं खाती हूँ। चुटकी अभी यहाँ से जाएगा नहीं जब तक पूरा और नहीं जल जाता। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन लोगों के लिए पनीर निकाल के अलग कर रही हूँ, बोझ और गोबर के लिए। मैं हाथ धो लेती हूँ जल्दी से। कढ़ाई रखती है मैंने, गर्म हो रहा है अब तक। अब मैं आपको बताती हूँ शाही पनीर मैं कैसे बनाती हूँ, आप घर में आराम से बना सकते हैं। मतलब पता है क्या हुआ, मैंने इसका पीस दिया था इसे, ये ना तब तक आएगा जब तक कि पूरा पनीर खत्म ना हो जाए। बोधो की एंट्री फिर से हो चुकी है, अपना पनीर खा के यहाँ पे खड़े। पूरा मुंह चुमा के रखा, पूरे माथे वाथे पनीर लगा हुआ। तो मैंने ना ऑयल चढ़ा दिया है। क्या है बेबी का? उसके लिए है, गूगल का है बेटा। तुम्हें इतना बड़ा पीस दिया है मैंने, दिखाती हूँ एकदम प्यार से। देखिएगा हाँ, देखिए कितने प्यार से देखिएगा। ठीक बोली पीछे क्यों जा रहे, खाना तो आ गया। झपट्टा आएगा कभी भी। तो मैं अब इसमें पनीर डालूंगी। तो अब जो लहसुन है उसका पेस्ट बना रही हूँ मैं। ये हो गया है, हम इसे साइड रखते हैं और जो प्याज काटते हैं, प्याज काटते हैं।
अब मैं इसमें हल्का सा पानी बॉईल करूंगी और हल्का सा इसमें नमक डालूंगी। बॉईल नहीं करना है, निभाया करना है। और पैन चढ़ा रही हूँ यहाँ पे और इसमें हमारा जो मसाला है वो तैयार करूंगी। इसलिए हल्का सा हो गया है गरम, इसमें हम डालेंगे नमक अगर मिल जाए तो। थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने इसमें, अब हम कैमरा थोड़ा पास कर लेते हैं। हाँ, तो ये तेल मैंने अभी अलग कर दिया, अभी देखती हूँ क्या बनाना है, क्योंकि इसके साथ मेनली पूरी या नान वगैरह चलते हैं, बट मेरे पास नान बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो मैं ना नमक को मिलाऊंगी और इसमें हम लोग जो पनीर है वो डाल देंगे, क्योंकि जो पनीर है ना वो हार्ड हो जाता है फ्राई करने के बाद, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसी में से तेल ले रही हूँ, ये मेरे गरम मसाले का पैकेट है, इसमें ना शाही जीरा है, तो शाही जीरा डालूंगी इसमें। और थोड़ा सा नॉर्मल जीरा। तो जी ये बन रहा है, तो इसलिए अभी क्रैकल हो जाए तब तक टमाटर निकाल दिए जाए। गैस कैसे बंद हो रही है? गैस ही है जी। हाँ गैस खत्म, बैटरी भी खत्म, तो सिलेंडर लग गया है। जब भी सिलेंडर चेंज होता है मुझे बड़ा डर लगता है। अब ये जो प्याज है वो मैं इसमें डालूंगी। तो आप इसे बटर पनीर, मैं शाही पनीर कर रही हूँ, तो यहाँ कर लगा। हम इसमें डालेंगे बटर, जब प्याज भुन रही है उसी टाइम पे हम अब जो गार्लिक पेस्ट है वो डाल देंगे। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी, इसे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मैं इसमें बादाम डालूंगी। इसे कर लेंगे हम फ्राई अच्छे से, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें जो मसाले हैं वो डाल देंगे, जैसे लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शुगर, ग्रेवी क्योंकि बटर पनीर है इसलिए हल्का सा वो रहेगी, क्या बोलते हैं, हल्का सा मीठा पानी, एकदम हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इतना हल्का सा। और अब हम इसे चलाएंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी और मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि जो टमाटर है ना वो अच्छे से
अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो खाना जो है वो हो रहा है, वो बन रहा है, मतलब उसकी ग्रेवी बन रही है। जस्ट मैंने एक ब्लॉग पब्लिश किया है, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ जी, तो आते हैं मुद्दे की बात पे। तो कुछ लोगों का अभी भी दिमाग ख़राब ही चल रहा है, मेरा नाम यूज़ करके वीडियो बना रहे। भाई मैं तुम लोगों से ना, तुम लोगों के बारे में कोई बात करती हूँ ना, मेरे कोई शौक पड़ा है ना, मैं उस स्टैंडर्ड पे अभी तक गिरी हूँ और ना गिरने वाली हूँ। तो बार बार पोक करना, बार बार पोक करना, वही उंगली करते रहते लोग, उंगली ज़बरदस्ती की उंगली करने में लगे। आई थिंक मैं इतने दिनों से वीडियो बना रही हूँ, अब मेरी लास्ट वीडियो देखी थी उसके बाद मैंने उस इंसान के बारे में कोई बात नहीं कही। मतलब वो मेरा नाम लेके अपने टाइटल डालते हैं लोग, मेरा नाम लेके अपना टाइटल डालती है, और फालतू की फालतू की बातें, मतलब ना सर है ना पैर है उन बातों का, मतलब फालतू की पकड़ 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 तो है। और आपको पता है जिस वीडियो से का थंबनेल एक बार डला था, मुझे याद आया, मतलब बिना बात का जो टॉपिक उठाया था मेरे लिए, तो देखिए वीडियो पे थंबनेल उठा उठा ये कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे थे ना लोग, मैं अभी दिखाती हूँ उस वीडियो को। और मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूँ, किसी के फादर का क्या जानते है ना, तो मेरा चैनल है और मेरे को डर तो किसी से भी नहीं लगता। पर मैं आपको बता रही हूँ कि फालतू की जो चीज़ें उठ रही हैं, फालतू की अफवाहें जो हो रही हैं, तो मेरे कुछ बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी फैमिली है मेरी। और कहते हैं कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं किसी को अपनी लाइन से हटाना चाहती हूँ, तो भाई मेरा कुछ बहुत ही अलग है। मेरे पास शुगरखोरी के अलावा ही बहुत सारे काम हैं जो मेरे चैनल पे दिखते भी हैं, और कुछ लोगों के पास शुगरखोरी के अलावा कोई काम नहीं है, इसलिए उनके चैनल में सिर्फ शुगरखोरी और बार बार मेरा नाम यूज़ करना और कोई काम धंधा नहीं बचा है। तो मैं कुछ कर भी नहीं रही तो भी मेरा नाम लिया जा रहा है, और जब मैं करूँगी तो मैं प्रूफ के साथ आऊँगी, और मुझे धमकी देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को धमकी दूँगी या कुछ दूँगी, क्योंकि ना मैं काम करने में विश्वास रखती हूँ। तो भेज भी नहीं रही हूँ कि मैं आप में से किसी को बोलती हूँ कि जाके उस चैनल पे ये करो यार, उसके चैनल पे ये करो। तो मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है कि बार बार मैं जब भी खोलती हूँ तो ऊपर अपना चैनल का नाम मैंने डाला, और वैसे कि वैसे और लोगों की वीडियो खुलती है जो मेरा नाम यूज़ करते हैं निगेटिव वे में, और फिर फालतू की बकवास करते हैं, जिनके बारे में बात भी नहीं करती, जिनके बारे में मैंने ब्लॉग तो मैंने चार पाँच उनसे किया ही नहीं था, उनके बारे में ब्लॉग में क्या मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं सोचना चाहती। उन्हें लगता है ना कि मैं उनसे डरती हूँ, या उनकी धमकी के कारण मैं आगे जाके प्रेगनेंसी ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, तो मैं बनाऊंगी, जो करते बने जो खाते बने फाड़ो, मैंने तब भी बोला था। तो वो वीडियो मैं खोल ही नहीं पा रही थी। हाँ जी, ये वाली फ़ोटो डली थी मेरी, ये वाली, ठीक है, इसमें मैंने एक ट्यूब पकड़ी हुई है। कुछ लोगों का दिमाग इतना ख़राब है, मैं इसमें लगा था जाना पड़ेगा गायनोकोलॉजिस्ट के पास, जब मेरा मुझे ईस्ट इन्फेक्शन हुआ था और बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, तब मैंने लिखा था। और ये ट्यूब है मैडम जी, ये प्रेगनेंसी किट नहीं है जिस पे वीडियोस बनाई जा रही हैं और फालतू की बकवास की जा रही है, ठीक है ना। उस टाइम मुझे कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो ये थंबनेल लगा के लोग वीडियो बना रहे थे, और अब तो हटा दिए उन्होंने क्योंकि उन्हें स्ट्राइक का डर था। तो ये वाली वो करके, तो भैया पहले वीडियो देखो, खोलो उसके बाद, और मेरे को किसी को जस्टिफाई नहीं करना है, और जब होगा तो मैं बताऊंगी भी, दिलेरी से बताऊंगी, और जो भी होगा उसके बाद भी होगा तो ही बताऊंगी, जो उखाड़ते मैंने उखाड़ लूँ, ठीक है ना। तो फालतू की बकवास करने में अभी भी लगे, मेरा नाम ले रहे हैं, मैं उनके बारे में ना बात करना पसंद करती हूँ ना मैं वो करती हूँ कि यार हाँ, पर बार बार मेरे ना रिकमेंडेशन में और मेरे उसमें आ रही है वो वीडियोज़, और मेरा नाम आ रहा है कि यार मैं धमकियाँ दिलवा रही हूँ, मैं ये करवा रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है ना मेरे पास इतना फोकट का टाइम है कि मैं किसी को धमकियाँ दिलवाऊँ, और किसको धमकी दिलवाऊँगी यार, वो है कौन जिसको धमकी दिलवाऊँगी, मैं ऐसे ही कर दूँगी जो मुझे करना होगा, मैं धमकी उनकी दिलवाने में वो नहीं रखती। तो यूज़ कर रहे हैं पॉकेट के कमेंट्स और ये वो, और मैं मेरी वीडियोस में अगर मैं बोलूँ तो मेरी वीडियोस में डिसलाइक एकदम से जैसे ही आती है, वैसे डिसलाइक मैंने अभी डिसलाइक और लाइक का जो बटन था वो ऑफ किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे हेटर्स हैं जो बनवाए जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, और कुछ तो वही हैं जो आ रहे हैं, उनकी कुछ आईडीज़ होगी, ठीक है। और अगर मैं कोई वीडियो करती हूँ, जैसे मैंने कोई प्रैंक वीडियो करी या फिर मैंने वो आँखों वाली करी, तो उसमें ऐसे कमेंट आते हैं कि ये सब क्यों कर रहे हो, बच्चा कर ले। भैया जिसको बच्चा करना है वो कर ले, मुझे जब करना होगा तब मैं कर लूँगी, और मेरी लाइफ में ना इंटरफेयर करना या मेरा नाम यूज़ करके फालतू की बातें करते रहना ना, क्योंकि मैं धमकियाँ किसी को नहीं दिलवा रही, मैं धमकी नहीं दिलवाऊंगी, मैं सीधा काम करके सामने आऊँगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हर जगह पे हो रही है, अदरवाइज अभी तक काम हो गया होता। तो बस ये सब चीज़ें मेरा बहुत दिमाग। अब मैं से कुछ लोग बोलेंगे आके, आप लोग बोलेंगे कि यार मत करो खराब, ये मत करो वो मत करो, तो यार हो जाता है, पता है अपना ही चैनल का नाम मैं यूट्यूब पर डालती हूँ, अंट आती है, मतलब मेरी एक इमेज बिल्ड कर रहे हैं कि मैं तो किसी को धमकी भी दिलवा रही हूँ,
पता चला किसी को कुछ हो गया तो बोलेंगे मैंने तो किसी के साथ ये भी करवा दिया। मतलब कुछ भी हो रहा है तो भाई यार सब कुछ मैं ही करा रही हूँ। इस दुनिया में सब कुछ मैंने फैलाया है, कोरोना तक मैंने फैलाया है, इस दुनिया में सब कुछ मैंने फैलाया है, ठीक है। धमकियां दिलवा रही हूँ, आगे चल के किसी के किसी को कुछ हो जाए तो बोलेंगे यार मैंने ही करवा दी। मतलब जबरदस्ती मैं कहाँ बैठ रही हूँ और क्या है, मतलब फालतू की बकवास है जो वो नहीं बंद हो रही है। तो मेरा पानी मत ली यार, इतना मत गिरो, पता है इतना मत गिरो कि एक टाइम पे भगवान भी माफ ना करे आपको। क्योंकि किसी को ना लगातार पोक करना, हर्ट करना, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको भगवान तक माफ नहीं करेंगे। और सबका ना यहीं पे देखना है, सब कुछ यहीं पे देखना है। मेरा जो था पता है, मेरी प्रेगनेंसी थी, मेरी मिसकैरेज था, मेरा सब कुछ था। भगवान कसम ऐसा कभी नहीं था कि मैंने कोई झूठी या फेक स्टोरी बिल्डअप करी, ठीक है ना। ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं किया, पर जो लोग ये चीज़ें बोलते हैं ना वो ज़रूर ये सब कर जाएंगे और करेंगे आने वाले टाइम में कि यार ऐसा है वैसा है। मजाक उनने बना के रखा है, हम जैसे लोगों ने मजाक नहीं बनाया, उन जैसे लोगों ने मजाक बना के रखा हो। और बार बार नाम लेके धमकियाँ, यार तुम लोग जो भी कर रहे हो ना वो मुझे नहीं लगता है कि मैं इस स्टैंडर्ड पे आके तुम लोगों को आके धमकियाँ दूंगी या कुछ दूंगी। मेरे बहुत सारे काम है, ठीक है। तो अब करना है करो, नाम लेना है लो, मुझे जो करना होगा मैं वो तब भी करूंगी। और धमकी देने के लिए मैं नहीं आने वाली। तो ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो खुद ही गिर गए हैं। मेरे को अब लग रहा है कि जो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ना वो खुद बहुत गिर गए हैं, तभी आप सपोर्ट कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे लोगों को जाके अप्रिशिएट करना चाहिए। सीरियसली बेटर बहुत वो हो जाता है यार कि मैं डिटॉक्स और नाम को लेती हूँ, दिमाग वो करती हूँ, उसके बाद कंटिन्यूसली मेरा नाम लेना। और आगे अभी तक मुझे करेंगे वो, बात ये है कि जैसे ही नहीं आते ना, थोड़े बहुत भी कुछ उनके व्यूज़ गिरते हैं तो वापस वो नाम यूज़ कर लेते हैं भाई। अब आगे वो फिर अब देखो बोल दिया मैंने, ठीक है। मेरे को तो कुछ लोगों को क्लियर भी करना है कि हाँ चलो क्लियर करना है, इसलिए मैं आ रही हूँ। क्योंकि फालतू की बातें मैं नहीं अपने ऊपर लूँगी, क्योंकि आगे चल के कुछ भी हो जाएगा किसी के साथ तो क्या मेरा नाम आ जाएगा। तो वो मेरा नाम ऐसे ले रहे हैं जैसे पता नहीं यार सस्ते दामों मेरा नाम बिक रहा है और लोग खरीद रहे हैं कि हाँ नाम लो, कुछ भी बोलो, भौंकते रहो भौंकते रहो भौंकते रहो भौंकते रहो। और मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी अब क्योंकि बहुत हो रहा है ओवर। और सब कुछ जब किसी ये बीतेगी ना तब उसे पता चलेगा। और जो भी सपोर्ट कर रहे हैं ना उन लोगों को, आई थिंक आप भी बहुत अच्छे लोग नहीं हो जो उसे सपोर्ट कर रहे हो बैठ के। चलिए खैर मेरा खाना ना लो। तो ये जो है ये ठंडा हो गया है और अब मैं ना इसे पीस रही हूँ। तो ये ना मेरे पास आया था यार 2017 में 18 में आया था चैनल, जब मैंने खोला था तो उसके एक दो साल बाद आया था। किसी ना चाइनीज कंपनी ने भेजा था ये और रिव्यू के लिए भेजा था। फिर इसके साथ एक और भी था वो मैंने आज तक यूज़ ही नहीं किया, वो जो केक बनाने वाला होता है ना वो, तो मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। और इसका सिर्फ उसमें फ्रूट जूस मिक्सर लिखा है, उसमें कोई वो नहीं है। कुछ पूछते हो आप लोग कि यार ये कहाँ से है, कहाँ से लिया है, तो ये यहाँ का नहीं है, ये बाहर का है। इसको निकालेंगे, इससे और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी ग्रेवी। टमाटर के जो छिलके ना वो अलग हो जाएंगे। बहुत ही फाइन ग्रेवी जो है वो देखे निकल गई है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये देखिए ये अलग हो गया। तो हमारे जो पनीर है ना वो भी सॉफ्ट हो गया, मैं इसे पानी से निकाल रही हूँ हल्का सा निचोड़ निचोड़ के, ज़्यादा मत निचोड़ेंगे फूट जाएंगे पनीर। तो ये है फ्रेश मलाई, ये जो मलाई है ये मैं लूँगी और थोड़ा सा फेंट के इसमें डाल दूँगी ताकि एक रिचनेस आ जाए इसकी ग्रेवी में। तो ये एकदम फ्रेश है, आप घर की मलाई यूज़ कर सकते हैं क्रीम की जगह, अदरवाइज क्रीम यूज़ कर सकते हैं आपके पास जो है। इसमें डालूंगी इस पर एक बॉयल आने देते, इसमें एक बॉयल आएगा भी। एंड हमारा जो खाना है यमी, आपको पता नहीं है बहुत ही यमी दिख रहा है राजा। अब मैं ले रही हूँ कसूरी मेथी और ये मैं इतनी थोड़ी सी हाथ से वो कर दीजिए थोड़ा सा और डाल दीजिए।
तो हमारा बटर पनीर तैयार है। इसमें बटर है, ग्रेवी बहुत रिच है, एकदम स्मूथ ग्रेवी है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा जो था वो भी निकाल दिया है। अब मैं इसमें एक दो बॉल और आने देती हूँ कि इसमें अच्छे से ग्रेवी जो है पनीर में वो सोक हो जाए, और उसके बाद फिर हम तो ये हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, तो ये ना प्लास्टिक का नहीं है, कुछ लोग कहते हैं प्लास्टिक का है, आपका कुकवेयर किसी उससे बनता है मटेरियल से, सॉरी डिनर सेट उसका ये देखिए बहुत ही उम्दा है। ये हो गया है। तो आज मैं और राजा बात कर रहे थे कि यार नेक्स्ट क्या बचा है घर में कराने के लिए, तो हमें वॉश बेसिन जो है ना वो वाला एरिया सही कराना है पूरा। तो पूरा घर हो चुका है, बस ये बचा है। तो हमने कुछ डिज़ाइंस निकाले, अभी तो होना नहीं है पर हमने निकाला है। एक निकाला है अच्छा सा, उसमें अच्छा सही है, अच्छा सही बेडरूम जैसा है, उसमें PVC वगैरह है शायद, और रैक्स वगैरह बनवानी थी। मुझे लगा कि हमें फेस वॉश वगैरह रखने में दिक्कत होती है। तो खाना वगैरह हो गया है, खाना इतना टेस्टी था कि एक कॉर नहीं बचा कि मैं आपको दिखा पाऊँ। बहुत टेस्टी बनी थी। अगर आपको कभी अगर आपको ट्राई करनी है ना बटर पनीर की रेसिपी, इसे आप शाही ही बोल सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी थी। मतलब जो इसकी ग्रेवी थी वो बहुत मक्खन टाइप की थी, मक्खन मलाई यूज़ करिएगा ठीक है, ग्रेवी बहुत ही मक्खन टाइप की थी, और जो पनीर था वो हमने पानी में डाल दिया था। आप चाहे ना तो बिना फ्राई करे डाल सकते हैं, मुझे ना बिना फ्राई किए हुआ पनीर नहीं खाया जाता, मैं बाहर बिल्कुल पनीर नहीं खाती हूँ। तो मैं ब्रश दो चीज़ों से करती हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। मुझसे पूछ रहे थे आप लोग, तो ना वो कोको है, कार्बन कोको, वो जो ब्लैक ब्लैक है, तो है ये, इसका प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये आपको मिलेगा अराउंड मान लीजिए आप 2700-2800 रुपये का ये एक डब्बा, पर चल बहुत जाता है डब्बा ठीक है। और अब जो है ना इसका टूथपेस्ट भी आता है और बहुत सारी चीज़ें आती है, उसका $70 अराउंड आप मान के चलिए 4900 समथिंग का मिल जाएगा, अगर आपको पेस्ट वगैरह भी आते हैं इसके। पहले यही आता था। चलिए मैं आपको लड्डू बनाते हुए कल मिलती हूँ ठीक है। अभी मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग को एंड, और थोड़ा सा मेरा गुस्सा आ गया था, अब मैं थोड़ा सा गुस्सा आ गया था पर आ जाता है, तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, बट स्टे होम स्टे हेल्दी, बाय।